फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा नेटवर्क। ये देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए डबल कलर का प्यारा सा डिजाइन बनाना बताऊंगी। इसे आप लेडीज कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, सॉक्स वगैरह, कैप में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं और हमारी ये डिजाइन जो है 8 रोज में बन करके कम्प्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने इस डिजाइन को बनाने के लिए 10 के मल्टीपल में 30 फंदे लिए हुए हैं और जिस तरह से हमने यहाँ से बनाया था बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको यहाँ से बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले आप अपना बॉर्डर बना लीजिए। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप अपना सेकेंड कलर का ऊन अटैच कर लीजिए। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर किया था उसी तरह से हमारा यहाँ पर भी ये वाला कलर है, ग्रीन वाला, तो फिर से हम वही करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा सेकेंड कलर का ऊन हम ये क्रीम कलर का अटैच करेंगे अपना। एक फंदा स्लिप करेंगे इस तरह से और इसके बाद हमने 8 फंदे जो है 3 बार धागा लपेटते हुए बनाने हैं। देखिए कैसे, देखिए 1 2 3 3 बार धागा लपेटा, 1 फंदा हो गया। ठीक है, अब फिर से देखिए 1 2 3 3 बार धागा लपेटा इस तरह से, ये 2 फंदा। तो इसी तरह से हम 8 फंदे करेंगे, 3 बार धागा लपेटते हुए 2 हो गए। देखिए 1 2 3 3 फंदा, 1 2 3 4 फंदा, 1 2 3 5 6 1 2 3 7 फिर से 1 2 3 ये देखिए 8 फंदे हुए। अब 2 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 तो अब हमने यही जो है 10 फंदों का पैटर्न रिपीट करना है। 8 फंदे 2 बार धागा लपेटते बनाएंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे। अब फिर से वही 8 फंदे हम 2 बार धागा लपेट कर बुनेंगे। देखिए 1 2 1 हो गया, 2 3 इस तरह से, तो 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4, 5, 6, 7, 8। अब 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से 8 फंदे 3 बार धागा लपेटते बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 फंदा आखिरी में स्लिप करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये फर्स्ट रॉ कंप्लीट हुई। अब हम बनाएंगे सेकेंड रॉ रॉन्ग साइड से। देखिए हमने कैसे करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। अब जो फंदे हमने 3 बार धागा लपेट कर बुने हैं इन्हें हम खोल लेंगे। देखिए 1 2 3 4 3 4 5 छः 7 8। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 8 फंदे हो गए। अब देखिए 1 2 3 4 ये जो 4 फंदे हैं ये 4 फंदे इस तरफ आएंगे और ये 4 फंदे इस तरफ आएंगे। देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़ देंगे और आखिरी के 4 फंदों में देखिए इस तरह से सिलाई डालेंगे और अब ये 4 फंदे इसके अंदर से इस तरफ लाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये 4 फंदे जो इधर हैं इन्हें हम इसके देखिए फंदों के अंदर से इस तरफ लेकर आएंगे। देखिए ये इस तरह से, अब देखिए ये चारों फंदे इसी सिलाई पर चढ़ा लेंगे और अब इन 4 फंदे पहले ये बुनेंगे फिर 4 फंदे ये बुनेंगे, तो ये 8ों फंदे हम उल्टा बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 अब देखिए फिर से 4 5
सात आठ। अब बोलिए, अब बुनने के बाद फंदों को देखिए थोड़ा सा इस तरह से खींचेंगे ताकि ये फंदे सेट हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखिए इस तरह से हो गए। अब दो फंदे स्लिप कर लेंगे, एक दो। फ्रेंड्स अब एक फंदा छोड़ के यहीं 10 फंदों का पैटर्न आपने पूरी रॉ में बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए 8 फंदे ओपन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये 8 फंदे हो गए। अब स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़ के लास्ट के 4 फंदों में देखिए इस तरह से सिलाई डालेंगे, और ये जो स्टार्टिंग के 4 फंदे हैं इन्हें इस तरह से यहाँ पर पकड़ के रखेंगे, और इन 4 फंदों के देखिए अंदर से इस तरह से इस तरफ ले आएंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये फंदे देखिए केबल बना ली। अब हम इन 4 फंदों को भी वापस इसी लेफ्ट वाली सिलाई पर ले लेंगे, और अब ये 8 फंदे हम उल्टा बना लेंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और फिर से इन 8 फंदों को थोड़ा सा खींचेंगे ये इस तरह से, और दो फंदे स्लिप करेंगे, एक दो। अब फिर से 8 फंदे ओपन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये 8 फंदे ओपन किए। अब स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़ के देखिए और लास्ट के 4 फंदों में हम सिलाई डालेंगे। अब जो स्टार्टिंग के 4 फंदे हैं इन्हें हम लास्ट के 4 फंदों के अंदर से इस तरफ लाएंगे, देखिए इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पर लाए। अब इन फंदों को देखिए थोड़ा सेट करेंगे इस तरह से खींच कर आपस में, और ये वापस से सिलाई पर चढ़ाएंगे, और 8 फंदे हम उल्टा बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब इन फंदों को थोड़ा सा खींचेंगे और ये स्लिप किया फंदा स्लिप कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये सेकंड रॉ कंप्लीट हुई। अब हम बनाएंगे थर्ड रॉ राइट साइड से। तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट कलर का ऊन अटैच करेंगे, और सारे फंदों को सीधा बुनते हुए हम इस थर्ड रॉ को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने पहला फंदा भी बुन लेना है यहाँ पर इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स। अब हम फोर्थ रॉ को भी रॉन्ग साइड से सारे फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारी 4 रॉज जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब हमने इन्हीं 4 रॉज को रिपीट करना है, बट अब हमारे पैटर्न की पोजीशन जो होगी वो चेंज होगी। देखिए एक बार हमने यहाँ पर बनाया था, अब इसके बाद देखिए बीच में पड़ा हुआ है, तो अब हमारा यहाँ पर जो है डिजाइन बनेगी। अब जो बीच में 2 फंदे हमने स्लिप किए थे इसके दोनों तरफ, देखिए इस साइड से 3 फंदे और इस साइड से 3 फंदे और बीच के 2 फंदे, तो इस तरह से हमारे 8 फंदे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम वापस से यहाँ पर क्रीम कलर का ऊन लेंगे, और अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में 6 फंदे स्लिप करेंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः फंदे स्लिप किए, एक फंदा हमारा एज इट इज का है और 5 फंदे हमारे इस डिजाइन के हैं, 8 फंदों में से 5 फंदा। अब देखिए यहाँ पर हम 8 फंदे 3 बार धागा लपेटते बनाएंगे। देखिए एक दो तीन, एक फंदा हो गया, फिर से देखिए एक दो तीन, दो फंदा, एक दो तीन, तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 फंदे हुए। अब दो फंदा स्लिप करेंगे, एक दो, दो फंदे, फिर से 8 फंदे हम 3 बार धागा लपेटते बनाएंगे। देखिए एक दो तीन, तीन बार धागा लपेटा, एक फंदा, एक दो तीन, दो तीन चार पाँच छः सात
आठ आठ फंदे हुए। अब देखिए जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में 6 फंदे स्लिप किए थे उसी तरह से हम लास्ट में भी 6 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 6th row। यहाँ पर हमने स्लिप के फंदों को स्लिप करना है और बुने हुए फंदों को उल्टा बुनना है। फ्रेंड्स अब हम इन 8 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा बुनने के बाद फंदों को इस तरह से थोड़ा सा खींचेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा, ताकि ये सेट हो जाएं। ये देखिए तो ये 8 फंदे हमने उल्टे बुने। अब देखिए 2 फंदे स्लिप करेंगे इस तरह से और फिर से हम इन 8 फंदों को खोल के ट्विस्ट करके उल्टा बनाएंगे और ये 6 फंदे स्लिप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इस 6th row को कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारी 6th row कंप्लीट हुई और 7th row को हम सारे फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे और 8th row को भी रॉन्ग साइड से सारे फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो हम 7th row और 8th row को कंप्लीट कर लेते हैं सीधे फंदे बुनते हुए, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी 8 rows कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारा यह पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स हम इन्हीं 8 rows को रिपीट करते जाएंगे तो हमारा पैटर्न इस तरह से बनता चला जाएगा। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।